सुंदर सोलंकी जी, तमाम जानकारी के लिए अवसर चुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ पार्टी मुख्यालय से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन कर रहे पार्टी के नेता और सांसदों के हाथ पर काली पट्टी बंधी नजर आई थी। वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने काले कपड़े पहनकर देश में प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन की 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जहां पर महंगाई पर संग्राम आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर भी कांग्रेस का हल्ला बोल, तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे जहां पर बैरिकेड पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी चढ़ गए। राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला गया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और सरकार पर सीधा निशाना भी साधा। तो आपको बता दें, काले कपड़े पहनकर कांग्रेस द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है। महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज पूरे देश भर में किया जा रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने काले कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया और आपको बता दें कि सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की गई है। तो महंगाई पर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है और देश भर में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से महंगाई को लेकर संसद में सवाल पूछे जाते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। व्हाट वी आर विटनेसिंग इज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, दैट व्हाट इंडिया इज विटनेसिंग। व्हाट इंडिया हैज बिल्ट ब्रिक बाय ब्रिक स्टार्टिंग ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अगो is basically being destroyed in front of your eyes. All of you know it, the whole of India knows it. Anybody who stands against this idea of the onset of dictatorship, doesn't matter who he is, where he comes from, which state, which religion, male, female, he is viciously attacked, put in jail, arrested, beaten up. One thing. The idea is that people's issues, whether they are price rise, unemployment, violence in society, people's issues must not be raised. That is the sole agenda of the government. And the government is being run to protect the interest of 4 or 5 people, and the government, this dictatorship is being run in the interest of 2 or 3 small business, big business people by 2 people. Hum mehngai ke mudde uthana chahte hain, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है पार्लियामेंट हाउस में, हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको, क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है, हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूट